हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक साइंस। आई एम रिम्पी पांडे। लेट्स सॉल्व आरपीएससी 2013-14 स्कूल लेक्चरर प्रैक्टिस सेट। क्या है 41 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था इस सेट में, उसके आगे क्या क्वेश्चन आए हुए थे चलिए सॉल्व करते हैं। कम्युनिकेशन मॉडल इंक्लूड्स, ये क्वेश्चन हो चुके थे कि एक संप्रेषण मॉडल में समाहित होता है। अगेन 42 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फोर्टी टू क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ऑल सेंसेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बट द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ देम इज। सीखने की प्रक्रिया में सभी ज्ञानेंद्रियां भाग लेती हैं किंतु सर्वाधिक प्रभाव है, ये पूछ रहा है ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है देखना, दूसरा ऑप्शन है हियरिंग, थर्ड है टेस्ट स्वाद, फोर्थ है स्मेल। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सीखने की प्रक्रिया में सभी ज्ञानेंद्रियां भाग लेती हैं किंतु सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है। इसमें जो ये ऑप्शन का रिमेम्बर की जो थ्योरी दी गई थी एडगार डेल द्वारा, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा एडगार डेल द्वारा ने रिमेम्बर की थ्योरी दी थी कि लर्निंग या सेंसेस में जो काम करते हैं लर्निंग के टाइम पे वो कौन से ज्यादा रिमेम्बर रहते हैं, याद रहते हैं, ये इफेक्टिव होते हैं। वैसे अगर ऑप्शन में देखेंगे, बता देते हैं पहले क्या क्या होता है। 10% होता है जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, रीड करते हैं। 20% होता है जब हम कोई चीज सुनते हैं। 30% होता है जब हम कोई चीज देखते हैं। 50% होता है जब हम कोई चीज देखते भी हैं और सुनते भी हैं। उसके बाद उन्होंने एडगार डेल ने दिया है कि 70% तब होता है जब हम कोई चीज किसी से डिस्कस कर लेते हैं, किसी एक दो दो तीन लोगों से कोई चीज डिस्कस कर लेते हैं तो चीज हमको 70% याद रहती है। जब हमारा किसी चीज से पर्सनली एक्सपीरियंस हो जाता है या हमारे साथ कोई चीज घटित हो जाती है या हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं पर्सनल, तो वो तब हमको 80% रिटेन रहता है, याद रहती है चीजें। जब हम कोई चीज पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, तो हमको क्या कितने परसेंट, 95% तक चीजें याद रहती हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, टेस्ट स्मेल की बात आ नहीं रही है क्योंकि लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो फर्स्ट है सीनिंग एंड हियरिंग। तो सीनिंग में कितना बताया था कि 30% रहता है, हियरिंग में जो रहता है वो 20% रहता है। लेकिन आज अगर यहाँ एडगार डेल के अकॉर्डिंग मानेंगे तो जो इफेक्टिव जाएगा वो जाएगा सीनिंग का, क्योंकि हमें देखने पे हम सिर्फ सुनने पे हम 20% याद रखते हैं और जबकि देखने पे हम 30% रिम्बर रहता है, लर्निंग होती है या याद रहती चीजें। लेकिन लर्निंग की बात हो रही है यहाँ पे, ये तो रिम्बर की थ्योरी दी गई थी। लर्निंग में जब कोई चीज मान लीजिए देख लिया, देखने पे हमें चीजें कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन जब कोई चीज हम सुनते हैं, कोई चीज बता रहा होता है, तब लर्निंग की बात हो रही अधिगम, तो यहाँ पे हियरिंग ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब आयोग क्या माना है ये चीज तो नहीं पता है, लेकिन जहां तक आंसर ये जाएगा हियरिंग ही होगा। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को या 8 मार्च को या 21 अक्टूबर को या 14 फरवरी को। ये मनाया जाता है 8 मार्च को, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है, लेक्चर काउंसलिंग केस वर्क एंड डिमॉन्स्ट्रेशन आर टीचिंग मेथड्स व्हिच आर। भाषण, परामर्श, केस वर्क तथा प्रदर्शन शिक्षण विधियां हैं जो कि ऑप्शन में पूछ रहा है, जो कि क्या है। पहला है ट्रेनी डोमिनेटेड मेथड है, प्रशिक्षु प्रधान विधि है। दूसरा ऑप्शन है ट्रेनर डोमिनेटेड मेथड, प्रशिक्षक प्रधान विधि। थर्ड ऑप्शन कोऑपरेटिव मेथड, सहकारी विधि। फोर्थ नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब कोई भाषण या परामर्श, केस वर्क या प्रदर्शन शिक्षण विधि अपनाता है तो क्या इसमें मेथड यूज करता है,
वो अगर जब ये चीजें कोई कर रहा है तो कोई ट्रेन कोऑपरेटिव मेथड में, जैसे लेक्चर में कोऑपरेशन नहीं हो पाता है, कोई टीचर है प्रोफेसर है वो लेक्चर दिए जा रहा है तो इंडिविजुअल डोमिनेटिंग हो जाता है, वो व्यक्तिगत हो जाता है। दूसरा है नन ऑफ द अबव का ऑप्शन, ट्रेनर दे रहा, ट्रेनिंग का मतलब ये होता है जब हम कोई चीज, और ट्रेनर मतलब जो कोई हमें देता है, ट्रेनिंग मतलब जब हम कोई चीज अडॉप्ट करते हैं, लर्नर समझ लीजिए, यहाँ ये स्पीकर ट्रेनर स्पीकर हो जाता है, ट्रेनी लर्नर हो जाता है। तो यहाँ पे लर्नर अगर काउंसलिंग नहीं करता है, केस वर्क नहीं सॉल्व करता, लर्नर जो होता है डिमोन्स्ट्रेशन नहीं देता, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, प्रशिक्षक प्रधान विधि। ट्रेनर जो होता है लेक्चर भी दे सकता है, काउंसलिंग भी कर सकता है, केस वर्क डिमोन्स्ट्रेशन भी करता है, प्रदर्शन भी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर स्कीम दैट इज ऑब्टेन बाई यूजिंग कलर्स अपोजिट टू ईच अदर ऑन कलर व्हील। रंग चक्र पर एक दूसरे की विपरीत स्थिति के प्रयोग में बनने वाली रंग योजना क्या कहलाती है? मतलब कलर जो व्हील है उसमें एक दूसरे के अपोजिट में कौन से अपोजिट, मतलब इधर एक कुछ कोई रंग रहेगा, कोई इधर रहेगा, या कोई एक इधर रहेगा कोई इधर रहेगा, तो अपोजिट में बनने वाली प्रक्रिया कौन सी योजना कहलाती है? पहला ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, पूरक रंग योजना। सेकेंड ऑप्शन है स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, विखंडित पूरक रंग योजना। थर्ड ऑप्शन इज एनालॉगस कलर स्कीम, समीपवर्ती रंग योजना। फोर्थ ऑप्शन ट्रेड कलर स्कीम, त्रिकोणीय रंग योजना। तो जब कलर व्हील के एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं तो वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम, पूरक रंग योजना, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, मुंडल्स फाइव क्लासेस ऑफ चेंजेस इंक्लूड्स चेंजेस इन बॉडी मोशन एंड पोजीशन। ये पहला कह रहा है मुंडल फाइव क्लास, मुंडल के फाइव क्लासेस चेंजेस हैं। पहला चेंजेस इन बॉडी मोशन एंड पोजीशन, सेकंड चेंजेस इन प्रोडक्शन सीक्वेंस एंड चेंजेस इन फिनिश प्रोडक्ट। तीन इन्होंने दे दिया, तीन उन्होंने बता दिया, अब पूछ रहे थे अदर टू चेंजेस, और दो चेंजेस क्या हैं ऑप्शन में बताना है। मुंडेल द्वारा दी गई बदलाव की पांच श्रेणियों में सम्मिलित है, पहला है शारीरिक गति एवं स्थिति, दूसरा उत्पादन क्रम बदलाव एवं तैयार उत्पाद में बदलाव, शेष दो बदलाव। तीन इन्होंने बता दिया, दो आपको चूज करना है इसमें से। पहला ऑप्शन है चेंजेस इन इक्विपमेंट एंड वर्किंग अरेंजमेंट, पहला ऑप्शन। सेकेंड इसी में है चेंजेस इन मटेरियल, फोर्थ फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों ऑप्शन करके दे रखा है। सेकेंड ऑप्शन है चेंजेस इन रॉ मटेरियल एंड चेंजेस इन वर्कर, मतलब कच्चे माल में बदलाव, कर्मचारियों में बदलाव। थर्ड ऑप्शन चेंजेस इन गोल एंड वैल्यू, चेंजेस इन इक्विपमेंट अरेंजमेंट, लक्ष्य मूल्यों में बदलाव या उपकरण व्यवस्था में बदलाव, मतलब दो दो ऑप्शन में दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन है चेंजेस इन मैनेजर, चेंजेस इन रिसोर्सेज, प्रबंधकों में बदलाव या संसाधनों में बदलाव। तो जो मुंडल्स के अकॉर्डिंग जो पांचवा जो ऑप्शन बच रहा है, इन्होंने तीन बता दिया है, पांचवा है वो है फर्स्ट ऑप्शन चेंजेस इन इक्विपमेंट एंड वर्किंग अरेंजमेंट एंड चेंजेस इन रॉ मटेरियल। तीन यहाँ पे हो गया था, उपकरण एवं कार्य व्यवस्था में बदलाव, कच्चे माल में बदलाव, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, द रिक्वायरमेंट फॉर गुड स्ट्रक्चरल डिजाइन इज, एक अच्छी संरचनात्मक डिजाइन में आवश्यक है, एक अच्छी संरचनात्मक डिजाइन में क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल यूज, सभी पदार्थ काम में लिए गए व्यवस्थित हों। सेकंड टू क्रिएट ऑर्डर एंड ब्यूटी, व्यवस्था व सुंदरता प्रदान करने वाली हों। थर्ड ऑप्शन टू बी सुटेड टू इट्स पर्पज, कार्य अनुकूल होनी चाहिए। फोर्थ नंबर नन ऑफ द अबव, तो स्ट्रक्चर की बात, डिजाइन की जो बात हो रही है। अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल यूज, मतलब जो मटेरियल है वो उसका अरेंजमेंट क्या हो, प्रॉपर तरीके से सभी पदार्थों को काम में लिए गए क्या हो, व्यवस्थित हो, एक स्ट्रक्चर में बनाए गए हो, यानी एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, जो डिजाइन हो एक स्ट्रक्चर संरचना उसकी बनी हो, डिजाइन को यूज करते हुए उसकी संरचना बनाई जाए, डिजाइन के एलिमेंट्स को यूज करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन, इन माइक्रोवेव फूड इज कुक्ड थ्रू फॉलोइंग वेव्स, माइक्रोवेव में खाद्य पदार्थ को निम्न तरंग द्वारा पकाया जाता है। पहला ऑप्शन है माइक्रोवेव में जो पदार्थ हम पकाते हैं तो कौन सी तरंग यूज कर, मतलब कौन सी तरंग यूज होती है उसमें। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग, अल्ट्रावायलेट वेव, अल्ट्रावायलेट तरंग, थर्ड ऑप्शन गामा वेव, गामा तरंग, फोर्थ हीट वेव्स या ताप तरंग। क्या माइक्रोवेव में जो यूज होती है वो वेव यूज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होती है जो फूड कुक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, द इंसुलेटिंग मटेरियल यूज इन रेफ्रिजरेटर इज, रेफ्रिजरेटर में काम आने वाली ऊष्मारोधी पदार्थ होता है, रेफ्रिजरेटर में काम आने वाली ऊष्मारोधी कौन सा पदार्थ होता है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन कॉटन वूल, रुई, सेकेंड थर्माकोल, थर्ड है ऑप्शन रॉक वूल, फोर्थ है बेकेलाइट। तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल रेफ्रिजरेटर में यूज होता है तो वो पॉलीयूरेथीन होता है, लेकिन पॉलीयूरेथीन ऑप्शन में दे नहीं रखा है। बेकेलाइट भी जो होता है ये भी क्या करता है, इंसुलेटिंग मटेरियल में यूज होता है। मेनली इसका काम होता है करंट को रोकने के लिए यूज होता है, लेकिन इंसुलेटिंग मटेरियल में भी यूज कर सकते हैं। अब आयोग ने क्या आंसर सही माना है, इसमें तो चारों ही सही है। फोर्थ, अब यह इंसुलेटिंग मटेरियल में पूछा था। नेक्स्ट फोर्थ है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट टेक्निक फॉर बजटरी कंट्रोल इज, बजट को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन तकनीक है, बजट को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन तकनीक है, कौन सी तकनीक है। पहला है रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण, सेकेंड ऑप्शन टाइम नाम्स, समय मानक, थर्ड ऑप्शन इज टाइम शेड्यूल, समय सारणी, फोर्थ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बजट एवं विनियोग। क्या इसमें बजटरी कंट्रोल करने के लिए प्रबंध, बजट को नियंत्रित करने के लिए कौन सा मैनेजमेंट टेक्निक यूज होता है, वो यूज होता है रेशियो एनालिसिस या वेरियंस एनालिसिस करते हैं, रेशियो निकालते हैं बजट का जो होता है, बजटरी कंट्रोल करने के लिए उसका रेशियो निकालते हैं। सेकेंड पेपर आरपीएससी के 2013-14 में जो एग्जाम हुआ था, सेकेंड होम साइंस पहले सब्जेक्ट्स के भी दो एग्जाम होते थे, तो उसमें दो पेपर हुए थे, एक सॉल्व करा चुके हैं, उसके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें सेकेंड पेपर में 50 क्वेश्चन थे, वो भी सॉल्व करा दिए हैं, अगेन कुछ ईयर के पेपर और हैं उनको भी सॉल्व करा देंगे। तब तक आप लोग चैनल पर बने रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। And please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.